बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल रीड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं डबल चीज़ी पिज़्ज़ा, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लें कोई भी एक कप ले लें नॉर्मल सा, उसका दो कप उसका मैदा ले लें, वाइट फ्लावर जो होता है, और उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के ड्राई मिल्क ले लें। और अब इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर, ठीक है, मक्खन मेल्ट करके। उसके बाद हाफ से कम टीस्पून बेकिंग पाउडर और एक पिंच सोडा, थोड़ा सा सोडा, और उसमें तकरीबन हम एक साशे, या अगर आपके पास यीस्ट बड़ा पैकेट है तो उसका तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करने। और नीम गर्म पानी से इसको हल्के हाथ से आपने गूंदना है, और अच्छे तरीके से आपने इसको पूरा वेट करके उसके बाद आप शेल्फ़ पे रख के अपने पाम से इसको इतना गूंदें कि ये जो आटा है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और शेल्फ़ को छोड़ना, मतलब स्टिक होना छोड़ना छोड़ दें, मतलब स्टिक होना ख़त्म हो जाए, उसका स्टिकी जो टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आप इसको एक मतलब गोल सा पेड़ा बना के इसको किसी भी जार में रख के उसको एयर टाइट कर लें, या एयर टाइट जार में जो ढक्कन वाला होता है उसमें रख दें। अब देखें 6 आवर्स बाद हमारा जो डो है वो फुली रेज्ड था, पूरा मतलब फूला हुआ था, उसको मैंने प्रेस किया है, उसका दोबारा से एक पेड़ा बनाया और उसको रेस्ट पे रख दिया, ठीक है। अब इस मैंने पैन को ग्रीसी किया, पैन को अच्छी तरह से ग्रीस करके, और जो आपने पेड़ा बनाया था वो डो आप पैन पे हाथों से स्प्रेड करें तो वो जो पिज़्ज़ा होता है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। जब आप बेलन से करते हैं तो वो उस तरह इतना मतलब जो उसका टेक्सचर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, इतना सॉफ्ट नहीं होता। अच्छा, बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल चिली केचप और गार्लिक मायो सॉस, जो मायनीज गार्लिक वाला होता है वो, और उसके ऊपर आप थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दें तो और सॉफ्ट और चीज़ी होता है। उसके ऊपर मैंने चिकन, मैं चिकन अपने तरीके से करती हूँ, आप सिंपल भी फ्राई कर सकते हैं तंदूरी मसाले के साथ, चिकन टिक्का के साथ, या ब्लैक पेपर के साथ, तो उसको पका लें, सॉफ्ट कर लें। किसी भी तरीके आप टेंडर पॉप्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी बॉयल्ड चिकन ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर हम चीज़ की डबल टॉपिंग करेंगे, उसके ऊपर हम कैप्सिकम, टोमेटोज, ऑलिव्स, लोग पाइनएप्पल सॉसेजेस भी डालते हैं, बस जो आपको पसंद है आप उसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर और चीज़ ऐड करेंगे, और कुछ ऑलिव्स उसके ऊपर ऑलिव्स डाल देंगे। आप चाहे तो पाइनएप्पल और सॉसेजेस ये ऑलिव्स के साथ ही डाल सकते हैं, ज़्यादा जितना आपको जितनी टॉपिंग्स पसंद है। उसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ओरिगानो लीव्स और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। तो ओवन प्री हीट हुआ था हमने 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद हमने 30 मिनट्स के लिए इसको बेक किया। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।